भाई लोग, ये कोरोना वायरस ने तो हमारा ज़िंदगी को हराम करके रख दिया। ये एडिशनल वाले का भी डीएमई मेडिकल अब कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, तो सीआरपीएफ की तरफ से नोटिस भी आ गया। ये जो एडिशनल वाले का डीएमई मेडिकल 24-25 से शुरू होने वाला थे मार्च को, उनका मेडिकल का एडमिट भी आ गया था, तो उनका भी मेडिकल पोस्टपोन्ड कर दिया गया। ठीक है, उनका मेडिकल भी कैंसिल हो गया, और री मेडिकल वाले का तो कैंसिल हो ही गया, आप लोग को पता है। तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, पता नहीं कितना दिन जाएगा, अब कब जाके पूरा सब रीओपन होगा। स्कूल कॉलेज सरकारी सिस्टम पूरा का पूरा सब तो बंद हो गया, घर से बाहर जाना ही पूरा बंद। जो भी हो, क्या कर सकते हैं, इंसान अगर ज़िंदा रहेगा तो सोसाइटी आगे बढ़ेगा ना। तो ठीक है, देखो भाई और कितना टाइम लेता है, ये कोरोना वायरस की वजह से तो पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल गया। ठीक ना, तो अब देखो फाइनल मैरिड आने में, ज्वाइनिंग में, ट्रेनिंग में अब बहुत टाइम लगेगा। ठीक ना, दिवाली तक भी जा सकता है, कोई अंदाज़ा नहीं इसका, क्योंकि कब एडिशनल वाले का मेडिकल होगा, कब री मेडिकल होगा, उसके बाद भी 1-1.5-2 महीना टाइम लगता है एसएससी को मेरिट देने में, ज्वाइनिंग करवाने में, ट्रेनिंग शुरू होने में। ठीक ना, तो देखो अब क्या होता है, पूरा का पूरा सब पोस्टपोन्ड हो गया, अब देखो कब का होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम ही पूरा हिला कर रख दिया ये कोरोना ने। ठीक ना, चाइना वाले क्या बताओ यार, जो भी हो। और देखो पूरा का फिर से उनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिर से उनको डेट देना पड़ेगा, फिर से पूरा का मेडिकल री मेडिकल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सेंटर ठीक करना पड़ेगा, डॉक्टर वगैरह ठीक करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। तो देखो अप्रैल में होता है कि नहीं, कब होगा, कब चालू होगा, कोई कंफर्म कुछ कह नहीं सकता। ठीक ना, ठीक है भाई लोग, और क्या।